दोस्तों शहनाज गिल रियलिटी शो बिग बॉस 13 में हिस्सा लेने के बाद से सुर्खियों में है। एक्ट्रेस हर किसी की पसंदीदा बन गई है। पंजाबी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड और टेलीविज़न शोज तक वह सब पर राज कर रही है। पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से मशहूर शहनाज गिल जल्द ही सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेगी, जिसमें पूजा हेगड़े जस्सी गिल भी शामिल है। अब खबरों की माने तो शहनाज ने एक और बॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शहनाज गिल ने रिया कपूर के साथ अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म साइन की है, जिसे उनके पति करण बुलानी द्वारा अभिनीत किया जाएगा। एंटरटेनमेंट पोर्टल का यह भी दावा है कि फिल्म में शहनाज के अलावा अनिल कपूर और भूमि पेडनेकर भी होंगे। रिपोर्ट के अनुसार रिया की पिछली फिल्म वीरे दी वेडिंग की तरह उनकी आने वाली फिल्म भी एक महिला प्रधान विषय है। शहनाज फिल्म के कलाकारों में शामिल होने वाली नवीनतम एक्ट्रेस है, जो इस महीने के अंत तक फ्लोर पर जाने वाली है। इस फिल्म में शहनाज का एक अलग अवतार नजर आएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही शहनाज गिल को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। वो पिंक ड्रेस में पोज देती नजर आई थी। वो वीडियो में कहती नजर आई कि वह अमेरिका जा रही है संजू बाबा के साथ। इसने नेटिजन्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या शहनाज गिल जल्द ही KGF चैप्टर 2 अभिनेता के साथ स्क्रीन साझा करेगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो शहनाज गिल पिछली बार हौसला रख में दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के साथ नजर आई। फिल्म में उनके रोल की काफ़ी तारीफ हुई। एक्ट्रेस बिग बॉस 13 के बाद काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। बता दें उन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत 2015 के म्यूजिक वीडियो से की थी। शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। बिग बॉस के बाद से ही शहनाज काफ़ी चर्चा में रहती है। एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। ग्लैमरस तस्वीरों से लेकर अपनी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर भी शहनाज चर्चा में है। उनके इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी शेयर करती रहती है।